Hey guys, Rajat Jhon Fitness, welcome. Actually, मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि भाई ऊन का हम सप्लीमेंट तो ले लेते हैं पर पता नहीं चल पाता यार ओरिजिनल है या फेक है. तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें आई थिंक पहली बार आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो मे बी फर्स्ट वीडियो है जो आप सुन रहे हैं. एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऊन की ऑथेंसिटी आप कैसे चेक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मैं एक्चुअली मैंने मंगवाया है एक्चुअली ऊन का प्रोटीन. तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओरिजिनल कैसा होता है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, जेन्युइन प्रोटीन है जो आपने परचेज किया है. तो चलो लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोटीन. सो गाइस एक्चुअली वीडियो मैं खुद ही बना रहा हूँ और खुद ही अनबॉक्स करूँगा तो मे बी आपके सामने भी करता हूँ अनबॉक्स. गाइस मैं इसको कर रहा हूँ अनबॉक्स. तो गाइस ये है हमारा ऊन का प्रोटीन. एक्चुअली ये हैंडल विद केयर वाली पैकिंग होती है. तो गाइस ये देखो ये है ऊन का गोल्ड स्टैंडर्ड. एक्चुअली मैंने मंगाया है फ्लेवर रॉकी रोड. तो इसमें 72 सर्विंग होती है. एक्चुअली ऊन हर एक फ्लेवर में अलग सर्विंग देता है अगर आपको कुछ लोगों को पता भी होगा. तो गाइस ये है ऊन का प्रोटीन. मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है जो इसकी कैप है इस पर ऊन का साइन. ये रहा ऊन का साइन, ठीक है. सेकंड सील, सील पे जो है ये लोगो ज़रूर देखो आप. ये लोगो होना चाहिए सील पे. एक्चुअली ये लोगो मैं जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है. और ये लोगो शाइन करेगा जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये शाइन करेगा. ये देखो शाइनिंग ज़रूर होना चाहिए, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज लॉट नंबर. जब मैं इसको नीचे दिखाना चाहूँगा ये देखो इसका लॉट नंबर दिख रहा हो आप लोगों को, एक्सपायरिंग डेट और लॉट नंबर बैच नंबर, ठीक है. ये देखो ये है. उसके बाद बारी आती है आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो उसको, वो जेन्युइन है या नहीं है. तो इंपोर्ट की सील मिलेगी आपको इसको, ठीक है. ये देखो इंपोर्ट की सील. एक्चुअली गाइस मैं बताना चाहूँगा कुछ लोग न्यू लाइफ का ऊन का प्रोटीन ले लेते हैं न्यू लाइफ से. तो न्यू लाइफ से इन्होंने अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर रखी है. तो यार न्यू लाइफ का मत लेना आप लोग प्रोटीन, ठीक है. तो चलो अब इसको भी टीयर करते हैं, हम लोग देखते हैं. और गाइस इसमें एक बात और ध्यान कर सकते हैं आप. देखो ध्यान से अगर मैं इस सील को खींचता हूँ ऊपर की साइड तो ये फटेगी नहीं. ये देखो जल्दी से फटेगी नहीं अगर ओरिजिनल होगी तो. अगर डुप्लीकेट होगी तो फट जाएगी. अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये बहुत मुश्किल से फटेगी. मेरे को पूरा प्रॉपर दम लगाना पड़ रहा है तब फटेगी. ऐसी हो जाएगी गाइस ये देखो अगर ओरिजिनल होगा तो. इसलिए मैंने कटर का यूज़ किया है एक्चुअली. मुझे लग रहा है दोबारा करना पड़ेगा. अब मैं इसको गैस ओपन करूंगा. तो
तो ये प्रोटीन है गाइस, ध्यान से देखो आप, ठीक है? ये प्रोटीन है, ये देखो, और इसका स्कूप दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, इसका स्कूप भी देखो आप। ये जो स्कूप होगा ना, ये एक्चुअली ऊन का होना चाहिए। ये देखो स्कूप ऊन का है एक्चुअली, ये देखो ये लगा है, ये स्कूप भी ऊन का है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो फेक मार्केट में फेक है वो स्कूप भी ऊन का डाल देते हैं, दिक्कत वहां पे आ जाती है, ठीक है? तो ये थी गाइस कुछ ट्रिक्स जिसको यूज करके आप बच सकते हो फेक से, और प्रोटीन भी इसका बहुत फाइन होता है एक्चुअली। ये देखो प्रोटीन भी जेनवन होता है, बहुत फाइन होता है उनका, और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऊपर से कैप कवर कुछ नहीं होता गाइस। कभी आप सोचो कि इसमें कोई पैकिंग नहीं है, सील नहीं है अंदर की साइड, गाइस ओन कोई सील नहीं देता अंदर की साइड, मैं आप लोगों को बता दूं, बस ये ऊपर ही होती है एक सील, ठीक है गाइस? और मेन थिंग्स गाइस, आप इसकी स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लिया करो, कोई भी थिंग, कोई भी प्रोटीन आप ले रहे हो तो एक बार उसकी स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है? ये स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं जो फेक बनाते हैं, ठीक है गाइस? तो गाइस ये था हमारा ओन के रिव्यू, मे बी सब लोगों को पसंद आएगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro.